सो फ्रेंड, आधार कार्ड पैन कार्ड काफ़ी तेजों से लिंक हो रहा है और फाइन भी लगना स्टार्ट हो चुका है। कई सारे वीडियो भी अभी मैं इस पे टॉपिक पे लाने वाला हूँ और भी दो तीन वीडियो दे दिए हैं। अभी 31 मार्च 2023 लास्ट डेट दिया गया है। यदि आपने अभी तक नहीं कराया है तो अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर ले, नहीं तो उसके बाद आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा और उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन या तो उससे ज़्यादा भी फाइन देना पड़ सकता है, अभी 1000 ही रुपये लग रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको UTI के साइट पर हूँ और अभी मैं डिजिटल सेवा पोर्टल जो है उसे आपको जो है UTI के थ्रू पैन कार्ड को लिंक करने का एक अच्छा तरीका बताऊंगा, जिससे आप लोग बिना ज़्यादा चार्ज पे किए लिंक कर सकते हो। यहाँ पे UTI के पोर्टल पे हम हैं और इसमें आप लोग को जो है अपना जो है चार्ज पे कम देना चाहते हो, 1000 नहीं देना चाहते हो और उससे बचना चाहते हो, तो आप अपने पैन कार्ड को करेक्शन वाले ऑप्शन में जाके कुछ डिटेल वगैरह चेंज करके या फोटो अपडेट करके आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हो। ये भी एक तरीका है। अभी मैं इसको जो है ट्राई किया हूँ, कई सारे पैन कार्ड के ऊपर, लेकिन ये ट्रिक काम कर रहा है। अभी मैंने एक माइनर पैन कार्ड को जो है आपको मेजर पैन कार्ड में कन्वर्ट किया और उसमें काफ़ी अच्छे से जो है आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया और उसमें email ID मोबाइल नंबर भी लिंक हो गया। तो इस तरह से ये काफ़ी ईजी तरीका है और जिससे आपके चार्ज भी बच सकते हैं। पैन कार्ड बनाने के 99 रुपीज़ लगते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल पे। इस तरह से आप ये काम करके अपने जो है पैसे बचा सकते हैं और कस्टमर से भी कुछ अच्छे खासे चार्ज दे सकते हैं। तो अभी ये चल रहा है और आप ई फिल के साइट पे भी जाके कर सकते हो। वहाँ पे चार्ज पे करने पड़ते हैं, UPI के माध्यम से चार्ज पे करना होता है। आधार कार्ड पैन कार्ड पहले आप स्टेटस चेक कर लिया करो कि आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक है कि नहीं। बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी रहता है और उन्हें पता नहीं रहता कि उनका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक है। पहले आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, स्टेटस चेक करेंगे। यदि आपका ऑलरेडी लिंक बताता है तो आपको पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो है अपना आधार कार्ड पैन कार्ड उसी तरह यूज़ कर सकते हो, किसी भी बैंक में दे सकते हो। यदि आपको लगता है कि हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है, आप स्टेटस में दिखा रहा है योर पैन कार्ड, तो आप समझ जाइए कि आपका आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं है। आपको 1000 रुपये ई फिल के साइट पे पे करने होंगे। वहाँ पे आप लोग को पे करने के बाद आपको स्लिप भी मिलता है और उसके बाद आप अपना स्टेटस चेक करोगे, आपकी लिंक हो जाएगी। और ये भी बात सुन ले, आधार कार्ड और पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ या नेम में किसी तरह का मिसमैच है या अलग अलग है तो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड उस जगह नहीं होगा। तो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड पहले आपको अपडेट कराना होगा, करेक्शन कराना होगा, सुधरवाना होगा, सुधार करवा के तब जाके ये अप्लाई करेंगे तो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में तभी लिंक हो पाएगा, तब जाके आपका ये काम हो जाएगा। और इस काम में 1 हफ्ते 4-5 दिन लगते हैं। आप इस तरह से किसी भी साइबर कैफे या किसी भी जो है डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाके करा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक कराना ज़रूरी है और आप लोग घर बैठे इसे करा सकते हो और अपने नियर एरिया पे जो भी आपके पॉइंट है वहाँ पे जाके करा सकते हो। तो चलिए, आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह के डिजिटल आप लोग को जो है मोबाइल से रिलेटेड और डिजिटल सेवाओं से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती हैं। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय फ्रेंड्स।